सो मच फॉर वॉचिंग AMTV Pro. माय नेम इज तिलक. तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ आप सब लोगों की डिमांड पे, क्योंकि पहले मैंने इस कैमरे का जो IP कैमरा है V380 Pro, तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था, साथ में इसका सेटअप भी बताया था. पर बहुत सारे जो मेरे व्यूवर थे उनके काफ़ी सारे डाउट रह गए थे. वैसे मैंने कमेंट सेक्शन में सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ रह गए हैं. तो आज मैंने डिसाइड किया कि चलो एक वीडियो बनाते हैं और उन सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं. तो आज मैं जो है इसके कुछ ऐसे सेटअप से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे लोग जब ये कैमरा लेते हैं तो उनके मन में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ले लेते हैं वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड कहाँ पर लगता है. तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे की तरफ, ये कैमरा आप देख पा रहे हैं, तो इसके नीचे की तरफ यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट अवेलेबल है, और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने मेमोरी कार्ड लगा रखा है. जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रो SD कार्ड इसके अंदर लगता है, और ये जो है 128 GB तक का सपोर्ट लेता है. तो मोस्ट प्रोबली अगर आप लगाना चाहें तो 64 GB का लगाइए, क्योंकि 128 GB जब इसके अंदर लगता है तो जो स्पीड है उसकी थोड़ी सी स्लो हो जाती है. तो ये मेमोरी कार्ड आप इसको ऐसे करके इसका थोड़ा सा पुश करेंगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा. ये आप देख सकते हैं मेमोरी कार्ड इसके अंदर अब लग चुका है और ये रेडी है. मैंने इसको अपने पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर लिया है, तो ये ऑन हो चुका है. ऑन होने के बाद आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्शन का जो कनेक्ट करने का प्रोसेस मेरी पहली वीडियो में है, उसका मैं लिंक वीडियो की आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन जो था वो था कि अपने मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट करने के बाद आप मोबाइल को कितनी दूर से इसे एक्सेस कर सकते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सेम मोबाइल के साथ इसे कनेक्ट करा है, यानी वाईफाई आपने सेम मोबाइल के साथ कनेक्ट करा है, तो आप जो है 10 मीटर की रेंज में ही जा सकते हैं. पर अगर कैमरा किसी और वाईफाई के साथ कनेक्ट है और आपका मोबाइल किसी और वाईफाई के साथ कनेक्ट है, तो आप अपने मोबाइल को कहीं भी ले जा सकते हैं, दुनिया के किसी कॉर्नर से भी इसको एक्सेस इजीली कर सकते हैं. तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. कितनी देर की इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो सकती है, जो थर्ड क्वेश्चन था. इसका सिंपल सा आंसर है, जितना भी आपने मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगा रखा है उतनी देर की आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. सिंपल सा है, आपने जो भी मेमोरी कार्ड अगर इसके अंदर 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा रखा है या आपने 32 GB का लगा रखा है, तो जितना आपकी मेमोरी कार्ड में स्पेस होगा उतना ही इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं. और इसके बाद जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए सिंपल सा, आप अपने मोबाइल में इसे कनेक्ट करें. मैंने अपने iPad के साथ फ़िलहाल इसे कनेक्ट कर रखा है, तो इसके लिए मैंने जो आपको ऐप बताया था V80 Pro, उसको आपको डाउनलोड करना है. और आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप जो है इसे कनेक्ट है, तो ये देखिए ये कनेक्शन इसमें दिखा रहा है. तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन है. सेटिंग में आप जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा रिकॉर्डिंग सेटिंग. आप रिकॉर्डिंग सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग. अगर आप क्लिक कर देंगे तो जब भी आपका कैमरा ऑन होगा तो आप जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो कंटिन्यूस उसमें होती रहेगी जितनी भी है. और अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो आप क्लिक करेंगे तो ये हमेशा रिकॉर्ड करता रहेगा, और अगर आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग को ऑन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड जब आप मोबाइल से जो आपके इसी ऐप पर अगर आप रिकॉर्ड का बटन प्रेस करेंगे तब ये रिकॉर्ड करना शुरू करेगा. तो फिलहाल मैं रख देता हूँ इसको कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग पे, तो यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा. और मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग को एक्सेस भी कैसे करते हैं. तो यहाँ पर आप जब कैमरे के इंटरफेस पे आ गए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन अवेलेबल है. कैमरा मैंने ऑन कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला तो है रिकॉर्डिंग. तो स्पेशली अगर आप रिकॉर्ड का आपने कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो आप यहाँ से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. और दूसरा, अगर आप जो आपके जितने भी कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है उसको आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है रीप्ले का. तो आप रीप्ले पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है जितनी भी आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग है वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर शो करने लग जाएगा. तो आप कोई भी रिकॉर्डिंग यहाँ से प्ले कर सकते हैं.
तो सिंपल सा है, आपको पहले रिकॉर्डिंग, अगर आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप जाके सेटिंग में जाकर वहाँ पर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दीजिए। और दूसरा, अगर आप उस रिकॉर्डिंग को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपल आप रीप्ले का जो बटन है उसमें जाकर अपनी पुरानी जितनी भी आपके कैमरे के मेमोरी कार्ड पर रिकॉर्डिंग है उन सबको एक्सेस आप इजीली कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया इसके अंदर। पहला तो रिकॉर्डिंग कितनी देर की करते हैं, तो अनलिमिटेड जितना भी आपके मेमोरी कार्ड में स्पेस है उतना आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था कि हमेशा इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कैसे रख सकते हैं, तो वो भी मैंने दे दिया। सेटिंग में जाइए, वहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, ऑलवेज पर आप उसको एनेबल कर दीजिए, तो जब भी आपका कैमरा ऑन होगा आपकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी, चाहे ये कनेक्ट है किसी से या नहीं है। तीसरा जो है, रिकॉर्डिंग को देखना चाहते हैं तो रीप्ले का इसके अंदर ऑप्शन है जहां से आप रिकॉर्डिंग को ऑन करके चला सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आया था, अगर आपके पास 3 या 4 कैमरे हैं उन सबको कैसे कनेक्ट करें। तो सिंपल है, ऐप पर ऑप्शन अवेलेबल होता है मल्टी कैमरा का, तो मल्टी कैमरा आप इस पर कनेक्ट करिए और जितने भी आप कैमरे हैं उनको एक साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस ऐप में चार जो कैमरा एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो चार कैमरा अगर डिफरेंट आपके एरिया में लगे हुए हैं तो चारों कैमरे को आप एक साथ देख सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर को आप अगर आप देखना चाहें तो उस पर क्लिक करके आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि बात कैसे करें, तो इसके लिए सिंपल सा, यहाँ पर अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पीक का ऑप्शन है, आप जस्ट स्पीक पे करेंगे तो आप जो भी बोलेंगे आपके कैमरे से वो कैमरे वाले को सुनाई देगा और जो कैमरे के सामने जो व्यक्ति है वो भी आपसे बात कर पाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे जो ऑप्शन थे ये मैंने आपको बता दिया कि आप, सबसे पहला जो कॉमन था कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड कैसे लगाएं, वो मैंने आपको बता दिया कि मेमोरी कार्ड का स्लॉट नीचे की तरफ होता है। रिकॉर्डिंग हमेशा ऑलवेज रिकॉर्डिंग पे कैसे रखें वो मैंने आपको बता दिया, सेटिंग में जाकर आप ऑलवेज रिकॉर्डिंग ऑन को आप एक्टिव कर सकते हैं, उसके बाद जब भी आपका कैमरा ऑन होगा वो रिकॉर्ड करता रहेगा। उन रिकॉर्डिंग को कैसे प्ले करना है, तो रीप्ले का जो ऑप्शन है उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो सारे काम ऐप से होंगे, तो V380 Pro आप इस जो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का जो लिंक है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से इजीली उसे देख सकें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह रहा है और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कवर नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं सभी क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। और अगर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो दोबारा इसी तरह की एक वीडियो लेके मैं दोबारा अपने चैनल पर आ जाऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर लौटूंगा इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट लेकर। बाय।